प्रवासी श्रमिकों को लेकर अब सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार से मुफ्त व्यवस्था करने को कहा था, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि सभी राज्यों से पीएम मोदी ने वार्ता की थी और गाइडलाइन मांगी गई थी, और यह भी कहा कि महज 15% खर्चे पर श्रमिकों को लाया जा रहा है। जब देश में लॉकडाउन 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो 26 तारीख को सोनिया गांधी जी ने अपनी तरफ से एक बात कही थी कि केवल 4 घंटे का समय देकर के लॉकडाउन करना संपूर्ण देश के गरीब आदमियों को अपने स्थान पर पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बनी थी। मैं सोचता हूं कि अगर ये लॉकडाउन 24 तारीख को घोषणा होकर के अगर संपूर्ण देश में इस कठोरता से लागू नहीं होता तो आज सारा देश जल जाता। यह देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत समझदारी से इस कठोर कदम को उठाने के कारण से 130 करोड़ का देश आज भी 40,000 के लगभग उसके पॉजिटिव केसेज है और 1500 के आसपास लगभग उसकी डेथ है। इसका मतलब ये कठोरतम कदम तो जरूर लगा था, लेकिन मानवता को बचाने के लिए इससे ज्यादा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकती।